बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द वीडियो बाय लीगल कंसेप्ट CSS PMS एंड लॉ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम सब जानते हैं जैसे कि CSS एग्जामिनेशन टोटल 12 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, आउट ऑफ विच 6 आर कंपलसरी एंड 6 आर ऑप्शनल। जो हमारे 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें 600 मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं, जिनकी जिनमें सबसे पहले इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्री सी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन शामिल है। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी मालूमात हैं और जिस तरह हम इसकी तैयारी करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को आखिर तक देखें सो दैट आपके तमाम कंसेप्ट्स और तमाम आपकी जो कंफ्यूजन है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर हो। सबसे पहले पेपर की बात करें तो हमारे पास इंग्लिश एसे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, और इसमें आपकी आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और आपका वे ऑफ राइटिंग और स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो एग्ज़ामिन किया जाता है। आपको एक वाइड चॉइस दी जाती है टॉपिक्स की, जिसमें से आपको ऐसे चूज़ करके लिखना होता है। अराउंड अबाउट 2000 वर्ड्स का ये ऐसे होता है जो आपको लिखना होता है, और आपके ऐसे की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए आपके ऐसे में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना चाहिए किसी भी गलती के बगैर। मींस के हर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके ऐसे को ये शो करवाए कि एक मुकम्मल राइटिंग है, इसमें किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है हमारे पास इंग्लिश प्री सी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें सबसे पहले 20 मार्क्स की प्री सी होती है, प्री सी राइटिंग होती है, यानी कि इसमें आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसमें आपको प्रीसिंग करनी पड़ती है, और 5 मार्क्स जो हैं वो आपको टाइटल के दिए जाते हैं, यानी कि ये भी हम पढ़ेंगे अलग से वीडियो में भी हम इस। उसके बाद 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आएगी आपको, और 20 मार्क्स का ही ग्रामर एंड वोकेबलरी होगा, और 10 मार्क्स की आपको सेंटेंस करेक्शन होगी, और 10 मार्क्स की ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होगी, और 10 मार्क्स के आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स आएंगे, और 10 ही मार्क्स का आपको ट्रांसलेशन आएंगी। ये कुछ रीडिंग्स हैं जो सजेस्ट की गई हैं, आप इनको पढ़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके CSS एग्ज़ामिनेशन के लिए। इसमें इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ और प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, द लिटिल ब्राउन हैंडबुक, अ यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर, राइट बेटर स्पीक बेटर, मॉडर्न इंग्लिश इन एक्शन, ये सब आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। पहला पार्ट इसका जनरल साइंस है, जिसके अंदर पहले सबसे फिज़िकल साइंसेस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर है हमारे पास, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम अपनी बाकायदा वीडियोज़ में इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे, और किसी भी पॉइंट में जो है वो किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ नेचर है, इसमें सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस आ जाते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आ जाती है, वेदर वेरिएबल्स आ जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिज़ास्टर्स है, इसमें अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड्स वगैरह वगैरह जो हैं इसमें आ जाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
विंड एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज़ आ जाता है हमारे पास. एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ जाती हैं. मॉडर्न मटेरियल केमिकल्स यानी कि सिरेमिक, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह जाते हैं. एंड दूसरा पार्ट हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज का है. इसमें द बेसिक्स ऑफ लाइफ आ जाती है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम्स आ जाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम जो है वो आ जाता है. ब्रीफ सर्वे ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टू पिन पॉइंट सिमिलरिटीज एंड डाइवर्सिटीज इन नेचर. अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि कॉमन डिजीज एंड एपिडेमिक्स, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगी एंड देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन. अ न्यू मॉडल कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड. उसके बाद हमारे पास थर्ड पे इन्वायरमेंटल साइंसेज आते हैं, जिसमें सबसे पहले इन्वायरमेंट एटमोसफेयर है, जिसमें हमने उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ना है, बायोस्फेयर के बारे में पढ़ना है, लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ना है, एटमोसफेरिक पोल्यूशन हमने पढ़नी है, टाइप, सोर्सेज, कॉजेज और उसके अफेक्ट्स पढ़ने हैं, वाटर पोल्यूशन हमने पढ़नी है और लैंड पोल्यूशन पढ़नी है, और रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एनवायरनमेंट साइंसेस पढ़ना है, पॉपुलेशन प्लानिंग पढ़ना है. उसके बाद हमारे पास चौथे पे आ जाती हैं फूड साइंसेस. कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट आ जाता है, जिसमें हमने विटामिंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर्स पढ़ना है. क्वालिटी ऑफ फूड पढ़ना है हमने. बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपीयरेंस, टेक्सचर्स, फ्लेवर, क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड, फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ना है. फूड डिटोरिएशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स इसमें आएंगे, और टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसके अंदर आएगा. उसके बाद जो है पार्ट टू 40 मार्क्स का जनरल एबिलिटी से रिलेटेड आएगा, यानी कि क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, कंसेप्ट एंड एबिलिटी टू रीजन क्वान्टिटेटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ क्वान्टिटेटिव सेटिंग, बेसिक अरिथमेटिक, अलजब्रा एंड ज्योमेट्री और रैंडम सैम्पलिंग. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी. लॉजिकल रीजनिंग में यूजिंग रेशनल सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ स्टेप बेस्ड ऑन साउंड मैथमेटिकल प्रोसीजर्स एंड गिवन स्टेटमेंट्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन, और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी. उसके बाद आपकी मेंटल एबिलिटीज जो हैं वो चेक की जाएंगी, वर्बल, मैकेनिकल और न्यूमेरिकल, और सोशल एबिलिटी जो है वो आपकी चेक की जाएगी. कुछ आपको स्किल्स बना के दिए जाएंगे, आपको उस पर पूरा उतरना पड़ेगा. सजेस्टेड रीडिंग्स आपको ये तमाम बुक्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन तमाम बुक्स की आप रीडिंग कर सकते हैं, और दे आर इनफ. आप इसमें से दो तीन की भी रीडिंग करें तो दे आर इनफ. उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स भी 100 मार्क्स के हैं, एंड करंट अफेयर्स में आपके बहुत से सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं. ये हम आगे चल के देखते हैं. सबसे पहले जो है हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल अफेयर्स का जो नॉलेज है आपका, वो करंट अफेयर्स में चेक किया जाता है. पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर 20 मार्क्स के, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स आ जाएंगे. पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर 40 मार्क्स के, यानी कि पाकिस्तान के नेबर से रिलेशन, मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेशन, और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है, यानी यूएन, सार, ईसीओ, आईसी, डब्ल्यूटीओ, जीसीसी. उसके बाद ग्लोबल इश्यूज 40 मार्क्स के, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, ग्लोबल फार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन एकॉर्ड, और पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, इंटरनेशनल ट्रेड, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, अरेबियन सी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबलाइजेशन, मिडल ईस्ट क्राइसिस, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशूज. और इसके लिए सजेस्टेड रीडिंग्स आपके पास, या आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं. उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स हैं 100 मार्क्स के. इसमें हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, और जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री, मतलब जहाँ से आप कह लें कि शुरू हुई, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे.
हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और मुस्लिम्स का रूल जो था सब कॉन्टिनेंट में, इसका डाउनफॉल और ये सब कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे। और लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी, सोसाइटी, नेचुरल सोर्सेज, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, पाकिस्तान रोल्स इन रीजन, द पैलेस्टाइन इशू, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ फॉर पाकिस्तान, पोलिटिकल एवोल्यूशन, पाकिस्तान एंड US वॉर ऑन टेरर, फॉरन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, एथनिक इशूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हाइड्रो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी, पाकिस्तान energy problem and their effect, Pakistan's relation with neighbors excluding India, Pakistan and India relations since 1947, the Kashmir issue, the war in Afghanistan since 1979 and its impact on intelligence to Pakistan in the post 2014 era, proxy wars, role of external elements, economic condition of Pakistan, the recent constitutional and legal debates, the prevailing social problems of Pakistan and strategies to deal with them, poverty, education, health and sanitation, ये सब टॉपिक्स जो है पाकिस्तान अफेयर्स में हम कवर करेंगे, हमारे CSS एग्जामिनेशन का पार्ट होंगे। और ये इसके सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और अपनी जो आप ट्राई करें कि आप मैक्सिमम जो है वो रीडिंग करें जितनी आपसे हो सके। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पॉर्टेंट ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड इट्स फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, इस्लामिक वर्शिप, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ शरिया, इंडिविजुअली, डिप्लोमेटिकली, एजुकेटर्स, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, पीस मेकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल रख के हम ये तमाम खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअली वो कैसे थे, डिप्लोमेटिकली कैसे थे, एजुकेटर कैसे थे, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कैसे थे, पीस मेकर कैसे थे। एंड ह्यूमन राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन को पढ़ेंगे इस्लाम में, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे, इस्लाम एंड द वर्ल्ड पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इस्लाम पढ़ेंगे, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। इसके लिए ये इसके बारे में उर्दू में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये आप इसके बारे में रीडिंग्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep liking our videos and don't forget to subscribe. Next video ke liye bell icon ko click karna mat bhuliyega. Thank you so much.